Lovely bubblies, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Stevie K. Okay, today guys, we're watching the full movie reaction to Leo. Guys, yeah, full movie reaction to Leo. Obviously on YouTube, we can only post the cut edited version of it. So if you want to see the full uncut version of our reaction from start to finish, then it'll be on Patreon or it'll be on our YouTube membership. So you'll have to join level 2 and above. And you'll get to see the full uncut version. Obviously, you'll have to get your own copy of it. You'll know when to start because we'll sort that out for you guys as soon as you come on. But here, you're only going to get that. Hope you guys are enjoying it so far. Don't forget to like, share, and subscribe. Do let us know what else to react to. Now, we're just going to get on with the next part. Here we go. मैं हूं ना फिक्र मत करो मैं सब संभालूं सत्या कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जोशी क्या कोई और रास्ता नहीं सत्या बात को समझो ये बहुत ही सीरियस मामला है 5 लोग मारे गए मैं भी ये कुछ नहीं कर सकता इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं घबराओ मत ओके पार्थिवन पार्थिवन चलो कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्युवक्तियों के ठीक माथे पे लगी है एक भी गोली नहीं छूटी कोई भी अनुभव बिना एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगा कर गोली मारा इंस्पेक्टर भावर जीठा मिस्टर पार्थिवन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे Just saying, how has someone got a really good aim? Is it just can't be lucky? You still got a good aim? हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था और पूरा गांव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया मेरा बस एक ही सवाल है जंगली जानवर से ये आदमी इतना प्यार करता है तो 5 लोगों का खून क्यों करेगा वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉई अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था योर ऑनर मेरी मांग है कि सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंदर मेरे क्लाइंट को बरी किया जाए इस मामले में प्रस्तुत तर्कों गवाहों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिवन धारा 103-106 के मुताबिक दोषी नहीं है उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है पार्थिवन आप सर उठा के जी सकते हैं कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगे नॉट लीविंग ही नॉट लेटिंग द किड्स गो आउट 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो खुद तो घुट ही रहे हो साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारों में कैद करके रखा है गो गेट सम फ्रेश एयर घर का ख्याल मैं रख लूंगी अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ पार्थिवन मुझे उस दुकान में जाना है तुम दोनों मेरे साथ चलो तुम्हें जो लेना था ले लेना चलो सीधे अस नाइस नेम इज वा पार्थिवन पार्थिवन कहाँ हो तुम मार्केट में तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है आखिर बात क्या अच्छा सुनो मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए जो भी कर रहे हो छोड़ो गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त This part was cut at the cinema as well. I
ज्यादा हेरी प्रॉब्लम रहता है। You're doing it. So, got the hammer at the evidence. Oh! No more. That's enough. Look. Now go to the judge and say, look, this they done this to me. Is this what I think it is? No, it, you ain't gonna know who it is. But I knew who it was when he came. They sent him from his village. So he's from that movie, so he's he's supposed to be. He is gonna be a scooter guy. Yeah. Him. Honestly, trust me, cool. Look, cause he done this big look, 900 kilos of drugs, that's what he done in the film Karthi. I don't care, look at him. He was awesome. So he will get run. He was a main guy, trust me, he was brilliant in it. Look, he said you did that. Wait, so now you're so tired. That's not funny. He's good. High ranking police officer. Highest ranking police officer. Oh, you know that में एक ड्रग बस का केस हुआ था. पार्टी ऑफिसर ने अकेले वहाँ 50-60 लोगों को 50-60 या 60 लोग का नहीं फड़े यार एने तो लेने Now you send the bad guys. God से pray करके तू जो खबर लाया है वो मेरे काम की हो वरना तेरी बलि चढ़ेगी। देखिए किसकी फोटो है। Thank you.
who he looks like. That's the thing. See? There he is. He said if his party burn, chari kafi ya. Lekin agar wo sach pooch Leo nikla. But if he's Leo, you need all these people. So they think it could he die. Chhod so aadmi bhi kam padenge. See, I just love his relationship with his family as well. Is it sweet? Bloody sweet. पीछे एक आदमी है वो बहुत देर से बैठा है कुछ बोल भी नहीं रहा है एक बार जाके देखिए ना आप ऐसा क्या खाएंगे आप What's with the makeup? Gangsta. So bad. Looks orange. शुगर तेरे को अच्छी तरह मालूम है आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते हैं मुझे कैसे पता होगा चल शुगर डाल दे चल रही है ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए मैं बिल लेके आता हूँ इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है नहीं सर मैं सिगरेट नहीं पीता मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है डी स्लैश तू इसे हनी बैजर बोलता था बजट इज ब्लैक डेविल 25 पफ्स इस ब्रांड का फादर तू है मेरी बात सुनिए मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही है मैं बहुत उलझा हुआ हूं देखिए मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूं आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूं देख मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका माउंट व्यू लॉज उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है सर नो अल्कोहल प्लीज किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का मालिक था फैक्ट्री में आग लगने के बाद जरा एक मिनट मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाले है समझ में नहीं आ रहा मुझे पर जानना जरूरी है नहीं नहीं प्लीज एक बार सुन तो लो तुम बोलो जोशी एंथनी दास का एक बेटा था लियो हाँ तो लियो दास लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है वो सबको बेवकूफ बना सकता है दुनिया को बेवकूफ बना सकता है लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है उसकी आंखों को अपन ने देखा उसे अपन अच्छी तरह से पहचानता है वो वही है लेकिन होश संभालने से 20 साल की उम्र तक मैं सत्य मंगल ऑर्फनेज में ही पला बड़ा हूं वहां पहले बच्चे वो क्या कहते हैं उसे मोनार ट्रैकिंग वहीं पे मिला था मैंने इसे देखा दोस्ती हुई और दो दिन में मैंने इसे शादी के लिए पूछ लिया दैट्स इट इससे शादी करने के बाद इसकी जॉब की वजह से ही हम शहर में बसे हैं तब से लेके आज तक यही मेरा शहर रहा यही मेरी कहानी है एक चीज तो होते हैं एक जीवन में ये कब्रिस्तान सी खामोशी चुभ रही है मुझे आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूं देखो मुझे मेरी एक बात हमेशा याद रखना कोई तुम पर कितना ही शक क्यों ना कर ले मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाले मैंने आज तक कोई सवाल किया है तुमसे अब सोचना बंद करो और चलो चुपचाप सो जाओ तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली और कुछ चाहिए क्या यहाँ से जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा मैं माती को लाई हूँ अपने साथ वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है तो एक दिन और वेट कर लेती ना क्या जल्दी थी हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना फिक्र मत करो मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी तो ख्याल रखना ठीक है घर पहुंच के फोन करना तुमको ये अपना खून है
तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है, मेरा अपना खून। आपको यहाँ लफड़ा करने नहीं है। 20 साल से तू जिसे पार्थिवन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? तो तुम फिर वही आदमी आया था। क्या हो सकता है? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ बाहर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है, मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। And you were saying. He did say, he goes, whoever comes in, just do it. What the fuck? He did say, as soon as anyone comes in, tries to come in. Look at that. 45. हमारी नई नॉर्मल जिंदगी यही है ना। चुप कराओ, चुप कर जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है। एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझो? क्या समझो मैं? ये गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुँह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। कुछ मत बोलो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। सॉरी पापा, आप थे मुझे तो। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा था, अब साबित हो गया कि तुम मेरी औलाद है। And guys, that was the end of this part. I hope you guys are enjoying it so far. Let us know what other movies you guys want to react to. Don't forget to like, share and subscribe. And if you want to see the full uncut version, make sure to check out our Patreon or join us on our YouTube memberships. Links will be in the description below. And we'll see you on the next one. Take care, see you soon. See you. Bye. Bye.